हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप तुसी सारे ठीक होंगे। आज दी वीडियो विच मैं तुहाडे नाल शेयर करन जा रही हाँ ए वाली मेकअप लुक, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी स्टैप्स दे नाल फुल मेकअप लुक बनाई है। सो किसी भी पार्टी फंक्शन ते आपां खुद अपना इस तरह पार्लर वर्गा मेकअप कर सकते हाँ, वह भी सिंपल स्टैप्स दे नाल। पर मेकअप लुक स्टार्ट करने तो पहले अगर तुम मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल में सबसक्राइब करो, नाले जो बैल आइकन का बटन भी प्रेस कर दो, जिस दिन मेरे आने वाली होर वीडियो नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं मेकअप लुक। सब तो पहला मैं अपने फेस में फेस वॉश कर लिया है, सो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश ले लवेंगे। दैन उस तो बाद स्टैप आता है टोनिंग का। सो इतने मैं ब्लू हैवन का प्रैप एंड फिक्स मेकअप फिक्सर लै रही हाँ। सो इसको लैके पूरे फेस से स्प्रे कर लवेंगी। सो आप इस मेकअप तो पहला भी अपलाई कर सकते हैं एंड मेकअप तो बाद फिक्स करने के लिए भी अपलाई कर सकते हैं। सो अपलाई करने तो बाद मैं इस थोड़ा ड्राई होने देवगी एंड ब्यूटी ब्लैंडर लैके उस ना भी थोड़ा आप प्रेस करके इसको सैट कर सकते हैं। सो 2 मिनट इस फेस में सैट हो देना है। एंड मॉइस्चराइजर लिए मैं ले रही हाँ बायोटिक का मॉइस्चराइजर, आप आल स्किन टाइप वाले अपलाई कर सकते हाँ। सो अगर अपनी स्किन ड्राई है तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया है, स्किन चंगी तरह हाइड्रेट कर देता है। सो अगर अपनी ऑयली स्किन है तो भी आप मॉइस्चराइजर जरूर अपलाई करना है मेकअप तो पहला, ता ही जो अपना मेकअप है लंबे समय तक टिकेगा। अगर अपनी स्किन चंगी तरह प्रैप नहीं होगी मेकअप लिए तो अपना मेकअप फट जाएगा या क्रैक हो जाएगा। सो इस मॉइस्चराइजर लैके मैं पूरे फेस से चंगी तरह अपलाई कर लवाँगी, इसको भी थोड़ा सैट हो देना है फेस में। सब तो पहला मैं कर रही आई मेकअप। सो आईब्रो बनाने लिए मैं ले रही हाँ मलायो आई फॉरमेट। सो इस एक साइड पर पाउडर है तो दूसरी साइड पर जैल लाइनर है। सो जो इस ब्रश मिलता है उससे ही मैं पाउडर लैके अपने आईब्रो फिल कराँगी। सो सब तो पहला मैं आईब्रो के नीचे लाइन ड्रा कराँगी दैन उपर एंड दैन इस हल्का हल्का फिल कराँगी। सो मेरी आईब्रो की ग्रोथ एक साइड थोड़ी घट है, सो मैं पाउडर फिल करके इन्हों इक्वल कर लवाँगी। सो दूसरी साइड भी मैं इस तरह ही आईब्रो फिल कर लवाँगी एंड आई कंसील करने के लिए मैं ले रही हाँ एले गर्ल का कंसीलर। सो इस लैके मैं अपनी आई पर अपलाई कर लवाँगी। सो इस फ्रंट के जो ब्रश है उस ही ईजली अपलाई हो जाता है। आईब्रो के नीचे तो उपर भी मैं इस कंसीलर अपलाई कर लवाँगी, जिस जो आईब्रो है बहुत ही नीट एंड क्लीन लगती है। एंड पूरी आईलेट पर कंसीलर अपलाई कर लवाँगी दैन इस पहला फिंगर के ना थोड़ा ब्लेंड कराँगी। दैन उस तो बाद ब्यूटी ब्लेंडर लैके बस प्रेस करके इस ब्लेंड कर लेना है ता जो अपना कंसीलर है क्रीज ना हो। एंड कंसीलर ब्लेंड करने तो बाद इसको सैट करना बहुत जरूरी है। दैन मैं लूज पाउडर लैके इसको चंगी तरह सील कर देवगी, जिस ना कि अपना कंसीलर चंगी तरह सैट हो जाएगा। सो ब्रश से ही बस हल्का जहा लूज पाउडर लैके इसको सैट कर लेना है। एंड आई शैडो कलर के लिए मैं ए वाली आई शैडो पैलेट ले रही हूँ, जो कि मैं शॉपसी तो खरीदी सी, काफ़ी अफोर्डेबल रेट में मिल गई सी। दैन मैं फ्लफी ब्रश से ए वाला कलर जो मैं ड्रैस ना मैच करता है ले लिया है। दैन इसको अपनी मैं क्रीज लाइन पर डिपोजिट करके चंगी तरह अप्लाई कराँगी। सो इसको पहले डिपोजिट कर देना है, दैन बाहर तो अंदर वाल नू ब्लेंड कर लेना है। सो क्रीज लाइन पर इस कलर नू चंगी तरह ब्लेंड कर लेना है, तो इस कॉर्नर नू भी चंगी तरह ब्लेंड कर लेना है। दैन इस तो बाद मैं एक थोड़ा इसको लाइट कलर लैके इस क्रीज लाइन के उपर जो कलर अप्लाई किया है अपलाई कराँगी, तो इस क्रीज लाइन के कलर नू चंगी तरह ब्लेंड कर लेना है, तो नाल ही इस कलर उपरले कलर के नाल मर्ज कर लेना है। सो जिस तरह आप क्रीज लाइन के थोड़ा डार्क कलर अप्लाई किया है तो इस उपर आप इस थोड़े लाइट कलर ट्रांजिशन कलर वजों अपलाई कर लवेंगे। सो इस चंगी तरह मर्ज कर देना है दोनों कलर। एंड लास्ट से मैं थोड़ा ये जो ब्राउन गोल्डन कलर है इसको अपनी फिंगर पर ही लैके अपनी आईलेट पर जिते स्पेस खाली है प्रेस करके अपलाई कर लवेंगी। सो आप फ्लैट ब्रश के नाल भी अपलाई कर सकते हैं, फिंगर के नाल भी काफ़ी वधिया अपलाई हो जाता है। सो थोड़ा थोड़ा कलर लैके मैं फिंगर के नाल अपलाई कर लवेंगी। सो एक कलर भी मेरा थोड़ा ड्रैस के बच्चे है, सो मेरे ड्रैस ना मैचिंग मेरा आई मेकअप हो जाएगा। सो फिंगर ना अपलाई करके इसको चंगी तरह सैट कर लेना है एंड जो कलर क्रीज लाइन में अपलाई किया बस वो ब्रश लैके हल्का जहा क्रीज लाइन पर ब्लेंड कर लेना है, जिस नाल के जो कलर आईलेट पर अपलाई किया है वो क्रीज लाइन के कलर नाल मर्ज हो जाएगा एंड ब्लेंडर लगेगा। तो आई शेडो हो गया कंप्लीट। दैन आईलाइनर लिए मैं ब्लू हैवन का आईलाइनर ले रही हाँ, जो काफ़ी अफोर्डेबल है। दैन मैं काफ़ी पतला आईलाइनर भी अपलाई कराँगी। सो मेरे हुडड आई हैं, सो अगर आप मोटा आईलाइनर अपलाई करना चाहते हैं तो मोटा कर सकते हाँ। सो मैं थोड़ा पतला आईलाइनर भी अपलाई कराँगी, क्योंकि अगर अपनी हुडड आई हैं आप मोटा आईलाइनर अपलाई कर लिया जो अपना आई शेडो है बिल्कुल ही लुक जाएगा। सो हुडड आई वालों हमेशा ही पतला आईलाइनर भी अपलाई करना चाहिए है, सो इस जो आई मेकअप है काफ़ी प्यारा लगता है।
एंड फेस नू कंसील करने लई मैं लै रही हां इनसाइड दी कंसीलर पैलेट। इस दे विच जो ऑरेंज करैक्टर है इस नू ब्यूटी ब्लेंडर ते लै के अपने फेस ते जिथे किते मेरा आरीबन स्किन है जिस तरह के आई दे नीचे नोज़ दे अराउंड लिप्स दे अराउंड उत्थे बस हल्का हल्का प्रेस करके इस ऑरेंज करैक्टर नू अपलाई कर लवांगी। सो अपने फेस नू करैक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जदों आपां फाउंडेशन अपलाई करांगे तो अपने जिथे किते भी आरीबन स्किन होवेगी उत्थे अपना फाउंडेशन ग्रे हो जाएगा एंड काफ़ी केकी लगेगा। पर जिते जिथे अपलाई किया है उत्थे उत्थे ही प्रेस करके ब्यूटी ब्लेंडर नाल ही हल्का जिहा ब्लेंड कर लेना है। एंड फाउंडेशन लिए मैं ले रही हूँ मैट लुक फाउंडेशन, इसकी कवरेज काफ़ी वधिया है। सो फाउंडेशन थोड़ा शेक करके मैं अपने हैंड ती लै लवांगी एंड दैन थोड़ा फिंगर दे नाल मिक्स करके पूरे फेस से डॉट डॉट की तरह अपलाई कर लेना है। अपने ईयर ते नैक ते भी अपलाई करना है, नहीं तो अपने फेस के ये पार्ट काफ़ी अलग लगनगे। सो पूरे फेस से मैं डॉट डॉट करके अपलाई कर लिया है। दैन ब्यूटी ब्लेंडर लैके इसमें चंगी तरह ब्लेंड कर लेना है। पहला मैं हल्का हल्का ब्यूटी ब्लेंडर पूरे फेस से ही चला लवानगी जिस ना कि यह होगा कि जो अपना फाउंडेशन है ड्राई नहीं होगा। सो फिर इस नू वन बाय वन पूरे फेस से ब्लेंड कर लेना है। सो प्रेस करके चंगी तरह ब्लेंड करना है क्योंकि ब्लेंड करने के नाल ही जो अपने फाउंडेशन की कवरेज है बढ़िया आएगी। फाउंडेशन अप्लाई करने के फेस एकदम फ्लैट हो जाता है, फेस का कोई भी पार्ट हाईलाइट नहीं होता। सो हाईलाइटिंग लिए मैं एलेगल का कंसीलर ले रही हाँ जो कि मेरी स्किन टोन तो लाइट है। तो मैं अपने हाईलाइट पॉइंट से जिस तरह आई दे नीचे नोज़ के सेंटर विच लिप्स के उपर ठोडी ते मत्थे ते एंड ईयर के साइड ते वाला कंसीलर शेड अपलाई कर लवानगी एंड अपलाई करन तो बाद इसनू चंगी तरह ब्यूटी ब्लेंडर दे नाल ब्लेंड कर लेना है। जिथे जिथे अपलाई किया है बस प्रेस करके उत्थे उत्थे ब्लेंड कर लेना है। तो आप देख सकते हाँ कि जिथे जिथे कंसीलर अपलाई किया है ये अपने फेस के पार्ट काफ़ी हाईलाइट लग रहे हैं। सो इस तरह काफ़ी वधिया लुक लगती है। एंड कंसीलर अपलाई करने तो बाद इसमें सील करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंसीलर क्रीज हो जाएगा। सो मैं ब्लू हैवन का लूज पाउडर लैके जिथे जिथे कंसीलर अपलाई किया है लूज पाउडर अपलाई कर लवेंगे एंड बेकिंग लिए इसमें थोड़ा देर छड़ देवे। सो आप कंपैक्ट पाउडर भी अपलाई कर सकते हैं एंड जिथे कंसीलर अपलाई किया है उत्थे लूज पाउडर भी अपलाई कर सकते हैं। जैन एक फ्लफी ब्रश लैके मैं जो भी एक्सट्रा लूज पाउडर उसको हटा देवगी जिस ना कि अपने पूरे फेस से भी थोड़ा अपलाई हो जाएगा। एंड ब्लशर के लिए मैं इस वाली फेस पैलेट विच ब्लशर शेड लैके अपलाई कर रही हाँ। सो स्मैल करते हुए ब्लशर अपलाई करा, ब्लशर थोड़ा उपर वाल अपलाई करा एंड इसनों ब्लेंड कर लवेंगे चंगी तरह। एंड इसे फेस पैलेट विच मैं कंटोरिंग शेड लैके जिते ब्लशर अपलाई किया है उसके नीचे कंटोरिंग अपलाई करा, अपनी जॉ लाइन से नोज से एंड मत्थे से भी थोड़ी कंटोरिंग अपलाई करा। दैन इसे ब्रश के नाल मैं इसनों ब्लेंड कर लवेंगी। सो जो अपने चीक्स की कंटोरिंग है उस उपर वाल एंड जो जॉ लाइन की कंटोरिंग है नीचे वाल ब्लेंड करांगे। हाईलाइटर लई मैं अपने डैस के अकॉर्डिंग गोल्डन हाईलाइटर लै रही हाँ। सो अपन सिल्वर हाईलाइटर भी अपलाई कर सकते हैं। सो जिते ब्लशर अपलाई किया है उसके उपर हाईलाइट पॉइंट से मैं हाईलाइटर अपलाई करांगी। सो मैं फिंगर के नाल अपलाई कर रही हाँ अपने नोज से लिप्स के उपर ठोडी से मत्थे के सेंटर में हाईलाइटर अपलाई करके इसको चंगी तरह ब्लेंड कर लवेंगी। एंड जो आई मेकअप रह गया है काजल तो भी मैं ले रही हाँ फेस कनाडा का काजल एंड इसमें अपनी लोअर वाटर लाइन से अपलाई कर लवेंगी। अगर अपनी आई थोड़ी छोटी हाँ तो वह मोटा काजल अपलाई करांगे तो काफ़ी वधिया लुक लगती है। दैन मस्कारा दे लिए मैं डेजल मस्कारा लै रही हाँ जो काफ़ी अफोर्डेबल है। सो अगर आप फास्ट लैसेस भी अपलाई करने हैं तो दैन आप मस्कारा जरूर अपलाई करांगे, उसके बाद ही फास्ट लैसेस अपलाई करने तो बाद फिर मस्कारा अपलाई करांगे। सो ये काफ़ी अफोर्डेबल है मस्कारा एंड काफ़ी वधिया लुक दिंदा है पलकों नूं। आउटलाइन मैं कर रही हाँ, दैन मैं अपलाई कर रही हाँ लिपस्टिक। सो लिपस्टिक पहले मैं थोड़ी क्रीमी लिपस्टिक अपलाई करा अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग एंड उस तो बाद साइड की लिपस्टिक अपलाई करा जिस दे नाल काफ़ी वधिया कलर बन जाएगा। सो लिपस्टिक अपलाई करने तो पहले आउटलाइन करनी काफ़ी जरूरी है जिस दे नाल जो लिप्स की शेप है काफ़ी वधिया आ जाती है। एंड मेकअप हो गया कंप्लीट। सो मेकअप नूं लॉक करन दे लई मैं ब्लू हैवन दा प्रैप एंड फिक्स मेकअप फिक्सर लैके पूरे फेस से चंगी तरह स्प्रे कर लवानगी तो इसमें थोड़ा सैट होन देवे। तो मेकअप लुक कंप्लीट हो गई है एंड दैन मैं तुम्हें ज्वेलरी एंड बैंगल्स वगैरह पा के फुल मेकअप लुक दिखाई हाँ। दिस इज माई फाइनल मेकअप लुक, तुम देख सकते हो कि कितना प्यारा मेकअप हुआ है। मैं स्टैप बाय स्टैप फुल मेकअप लुक की है। सो किसी भी पार्टी फंक्शन से आप जा रहे हाँ तो आप इस तरह मेकअप लुक खुद कर सकते हाँ स्टैप बाय स्टैप। एंड आई मेकअप तुम देख सकते हो कितना प्यारा है एंड बिल्कुल ईजी स्टैप्स हैं। सो अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आप किसी भी तरह का आई मेकअप कर सकते हाँ एंड इस तरह किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए पार्लर वर्गा मेकअप कर सकते हाँ। सो मेकअप लुक अच्छी लगी वीडियो लाइक करो, चैनल में सबसक्राइब करो। मिलते हैं नैक्सट वीडियो में, बाय बाय।